हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टू स्टडी क्लासेस। आज दी इस वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी प्लस टू क्लास दे सब्जेक्ट पोलीटिकल साइंस दे विचों फिफ्थ चैप्टर अपने कोल नौकरशाही असैनिक सेवावां। इस दे शॉर्ट और फोर मार्क्स वाले जिहड़े लोंग क्वेश्चन ने वो मैं इस वीडियो दे विच तुहानू दस्सांगी। नाल ही जिहड़ा लोंग क्वेश्चन है इस चैप्टर दे विचों इंपोर्टेंट वो किहड़ा ते फोर मार्क्स वाले जिहड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने वो किहड़े ने। सो लैट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज नौकरशाही अंग्रेजी भाषा के किहड़े शब्द का पंजाबी अनुवाद है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नौकरशाही जिहड़ा अंग्रेजी भाषा के किहड़े शब्द का पंजाबी अनुवाद है। ब्यूरोक्रेसी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल अंग्रेजी भाषा का शब्द ब्यूरोक्रेसी किहड़ी भाषा के किहड़े शब्दों तो लिया गया है। जिहड़ा ब्यूरोक्रेसी शब्द है किन्ना शब्द किहड़ी भाषा के शब्दों तो मिला के बनया है। फर्स्टली फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो अते यूनानी भाषा के शब्द क्रेसी नू मिला के। फ्रांसीसी भाषा तो है जिहड़ा ब्यूरो शब्द लिया गया, यूनानी भाषा तो क्रेसी शब्द, दोनों नू मिला के जिहड़ा ब्यूरोक्रेसी बनया इंग्लिश दे विच। नैक्सट क्वेश्चन फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो अते यूनानी भाषा के शब्द क्रेसी का की अर्थ है। इसका आंसर है अपने कोल ब्यूरो का अर्थ है लिखण वाला डैस्क ते क्रेसी का अर्थ है शासन। नैक्सट क्वेश्चन नौकरशाही नूं होर किहड़े शब्दां नाल जाणिया जांदा है जां किहड़े नां नाल जाणिया जांदा है। असैनिक सेवावां। फिफ्थ क्वेश्चन इज नौकरशाही नूं स्थाई कार्यपालिका क्यों कहिंदे हन। स्थाई कार्यपालिका क्यों कहा जांदा, क्योंकि इहनां दा जिहड़ी कार्यकाल दा समां उह निश्चित हुंदा, क्योंकि नौकरशाही दा कार्यकाल है जिहड़ा निश्चित उम्र तक दा हुंदा है। कि इहनां दा जो काम करने के साल ने वो निश्चित होंगे ने कि इस उम्र तक जा इन्ने साल इन्होंने काम करना वो निश्चित होंगे स्थाई होंगे। नैक्सट है अपने को वचनबद्ध नौकरशाही का की भाव है। आंसर है नौ जी नौकरशाही किसी शासक दल नाल जुड़ी हो। नैक्सट क्वेश्चन है निरपक्ष नौकरशाही का की अर्थ है। जिहड़ी नौकरशाही पक्षपात तो कम नहीं लैंदी जां दल राजनीति तो मुक्त होंदी है, कि जिसका किसी भी राजनीतिक दल नाल कोई संबंध नहीं हुंदा वो है जिहड़ी निरपक्ष नौकरशाही हुंदी है। नैक्सट है नौकरशाहां दी नियुक्ति किस दे आधार ते होनी चाहिए है, योग्यता दे आधार ते। नाइन्थ क्वेश्चन नौकरशाही दी किस किस्म दी भर्ती विधि पर किस्म दी भर्ती दी विधि नूं खराब सिस्टम कहा जाता है। राजनीतिक विधि। राजनीतिक विधि दे विच की हुंदा कि जो सरकार बनती है वो अपने मनपसंद लोगों जो उन्होंने करीबी होंगे ने उन्होंने वह जॉब्स दे देंगे ने, नौकरशाही दे विच काम दवा देंगे ने असैनिक सेवावां दे विच। सो उस सिस्टम नू उस विधि नू जिहड़ा गलत समझा जाता, खराब समझा जाता। नैक्सट है नौकरशाही की सीधी भर्ती का कोई एक गुण दसो। फस्ट है यह विधि लोकतंत्र के अनुसार मनी जाती है। सैकेंड यह विधि सारे योग व्यक्तियों समान अवसर प्रदान करती है। नैक्सट वन नौकरशाही का शब्द सैनिक अधिकारियों के मन में कौन सी भावना अक्सर पैदा करता है। आंसर है श्रेणी भावना। लास्ट क्वेश्चन नौकरशाही पेशावर अधिकारियों का समूह क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रशासन भी एक पेशा है। नैक्सट अपने कोल ने फोर मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिस दे विच फर्स्ट क्वेश्चन अपने कोल नौकरशाही का अर्थ लिखो। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि नौकरशाही दे शब्दी अर्थ या अर्थ लिखना। नौकरशाही का हुण आपां करके आए कि नौकरशाही है जिहड़ा ब्यूरोक्रेसी शब्द जो इंग्लिश का शब्द है उसका पंजाबी अनुवाद है, जिहड़ा कि ब्यूरो ते क्रेसी फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द अते यूनानी भाषा के क्रेसी शब्द तो मिला के बनया है। फर्स्टली ब्यूरो का अर्थ है जिहड़ा लिखण वाला डैस्क, क्रेसी का अर्थ है शासन। थ्री लाइनज़ अपने कोल सीधियां यह हो गई कि इन्हां दा शब्दी अर्थ की है। नैक्सट अपने को लाइनज़ ने यह एक नौकरशाही शब्द की वध तो वध वरतों लेख लोक सेवा के भाव नूं प्रभाव नूं प्रगटाउण लई कीती जांदी है। सारे आधुनिक राज्यां विच सरकार दा काम उन्हां अधिकारियों वल्लों कीता जांदा है जिन्हां नूं प्रशासनिक समस्या की पूरी जानकारी ते समर्था रहिंदी है। कि जिहड़े नौकरशाही दे जिहड़े मैंबर हुंदे ने मीनस जो काम करदे ने नौकरशाही दे विच उन्हां नूं जिहड़ी पूरी नॉलेज हुंदी आ अपने जो वो प्रशासन के जिहड़ा काम कर रहे हैं उस बारे उन्होंने पूरी नॉलेज होंगी तो उसका वो काम करते हैं। वो एक प्रशासन दी जिहड़ी समस्यावां होंदे ने
उन्होंने बारे जानकारी होंगी तो उन्होंने समस्यावान का हल है जो दसते हैं कि हो सकता। अधिकारियों के इस वर्ग में नौकरशाही के तौर पर जाने जाता है। नौकरशाही सरकारी सरगर्मियों के ग्रुप राही संपन्न सरगर्मी है। सो फस्ट अपने को गया नौकरशाही के शब्दी अर्थ। नैक्सट क्वेश्चन है नौकरशाही चार मुख्य विशेषतावान दसो। इट्स ऑलसो सैकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस दे विच तुसी जे पॉइंट्स दे विच लिख रहे हो दैन वैल एंड गुड, बिकॉज जो तुसी पॉइंट्स बना के उन्होंने अगे एक्सप्लेन कर दो तो मार्क्स वधिया मिलते हैं। बाकी एक्सप्लेन वधिया किता होना चाहिए, मार्क्स दोनों तरह मिलते हैं जो आप सिंपली जस्ट पॉइंट लिखिए जा पॉइंट की हैडिंग दे के अगे उसनों एक्सप्लेन करिए। इतने अपने को फस्ट दसिया नौकरशाही विशेषतावान। निश्चित तनखा ते पत्ते कि नौकरशाही मैंबर होंगे ने जोड़े उन्होंने तनखा है जी निश्चित होंगी आ पर मंथ उन्होंने जी अपनी पेंशन है सॉरी तनखा है वह मिलती है तो रिटायर होने तो बाद उन्होंने जी पेंशन है वह लग जाती है। सैकेंड है राजनीतिक निरपक्षता। नौकरशाही कर्मचारी के व्यक्तिगत या राजनीतिक विचार की कोई थान नहीं है। नौकरशाही राजनीतिक नज़रिए तो निरपक्ष रहना पैंदा है कि उन्होंने राजनीति नाल कोई खास रिलेशन नहीं होंदा, मतलब उन्होंने निरपक्ष रखा जाता उसनों, क्योंकि नौकरशाही के जिहड़े मैंबर होंदे ने मोस्टली उन्होंने जिहड़ी नियुक्ति है वह योग्यता के आधार पर होंदी है। सो इस दे विच राजनीति का कोई लिंक नहीं उस तरह। नैक्सट है योग्यता प्रणाली। नौकरशाही योग्यता प्रणाली उत्ते आधारित है। कर्मचारियों की चोण योग्यता के आधार पर की जाती है। एक विशेषता इसकी कि नौकरशाही के मैंबर की जिहड़ी चोण आ वह योग्यता के आधार पर की जाती है, उन्हां दी क्वालिफिकेशन देख के जां उन्हां दी की किस चीज़ के वो लैवल दे ने वह चीज़ टैसट की जाती है, पेपर ले जाते हैं। जिमें कि फॉर एग्जाम्पल जिमें कि टीचर जो टीचर बनने के लिए पहला एग्जाम देना पैंता, उसको क्लीयर करना पैंता, उसकी मैरिट जो बनती है उसके अकॉर्डिंग है जी टीचर की जॉब है मिलती है। सो मतलब कि इन्हों पहला अपनी योग्यता का टैसट देना पैंता ता ही जिहड़े अगे नौकरशाही के मैंबर बन सकते हैं, उन्होंने काम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका फोर्थ विशेषता की आ नौकरशाही का कार्यकाल निश्चित होंदा है कि एक निश्चित कार्यकाल होंदा इन्हां दा जिस उम्र तक कि इन्नी एज दे होके इन्हां नूं रिटायरमेंट मिलेगी वह निश्चित होंदा, तय कीती उम्र होंदी आ उसते आके वह रिटायर कर दिते जांदे ने। सो इन्हां दी जिहड़ी निश्चित कार्यकाल होंदा। नैक्सट है नौकरशाही दे कोई तीन कार्य कोई तीन काम। फस्ट है प्रशासकीय काम, सलाहकारी काम, विधानिक काम। फोर्थ है तालमेल करना। नैक्सट लोक सेवावां की भर्ती का की अर्थ है, भर्ती तो तुहाडा की भाव है। भर्ती का अर्थ केवल खाली थावां की पूर्ति करना नहीं सगों अजिही प्रक्रिया है जिस द्वारा योग व्यक्ति खाली थावां लई आकर्षित करना हुंदा है। नैक्सट डॉक्टर एम पी शर्मा के अनुसार है जिहड़ा उन्हां दा की कहना सी वह दस्सिया। तो मार्शल डिकाम दिमाग के अनुसार सानू बहुत सारे कर्मचारियों को प्राप्त करने लिए इश्तहार देना होगा ज विशेष कार्य के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्ति को लभना होगा। कि भर्ती का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि जो आप पोस्टा कड़िया ने उन्होंने जस्ट फिल कर दो उन्होंने जिसने भरता फार्म ठीक है उन्होंने जॉब मिल गई, नहीं कि उन्होंने सर्च करना पैंदा लभना पैंदा कि कई बार इश्तहार देने पैंदे ने योग व्यक्ति कि उस पोस्ट के लिए योग कौन है कि कौन उसते काबिल है काम कर सकता है उस चीज़ नू भी आकर्षित उन्हां लोकां नू आकर्षित करना पैंदा उस पोस्ट दे लई। सो वह की हो गया अपने कोल भर्ती। नैक्सट है नौकरशाही की भर्ती संबंधी तीन विधियां का वर्णन कि किस तरह जिहड़ी नौकरशाही की भर्ती है की जाती है। सीधी जां बाहर तो भर्ती जिसका अर्थ की है कि उम्मीदवारों की चोण खुलेआम की जाती है, खाली थावां दे लई जो भी व्यक्ति निर्धारित योग्यतावां पूरियां करता है उम्मीदवार बन सकता है, तो योग्यता के आधार के उत्ते उसकी नियुक्ति हो सकती है। कि चोण हो रही आ जस्ट सिंपली ओपनली उहदे विच जो व्यक्ति काबिल है जिसकी योग्यता जिहड़ियां शर्तां जो रखियां जांदियां ने जो व्यक्ति वह शर्तां नूं पूरा करता है योग्यता नूं पूरा करता है उस सीट लई चुनिया जांदा। नैक्सट है अंदरूनी भर्ती जां अहुदे दी तरक्की। इस दे विच की है अंदरूनी भर्ती का अर्थ है कि उच्च अहुदे ते नियुक्ति का अधिकार विभाग ते सेवा विच काम करने लिए व्यक्ति नूं प्राप्त होना चाहिए। इस तरह इस प्रणाली विच कर्मचारी अहुदे की तरक्की पा के अपने तो उच्चे वाले अहुदे ते पहुँच जाते हैं। इस दे विच की हुंदा फस्टली भर्ती हुंदी आ कोई एग्जाम दे के जां किसी भी तरह जो भर्ती हुंदी आ अंदरूनी भर्ती, तो उस तो बाद उसके कोल जिहड़े तरक्की दे मौके हुंदे ने कि वह नीचे वाली पोस्ट तो
अपर पोस्ट ते जा सकदा, वध तरक्की कर सकदा। फॉर एग्जाम्पल जदों जिवें कि कोई सरकारी स्कूल दे विच प्राइमरी स्कूल दे विच टीचर आ, जो एग्जाम नैक्सट क्लीयर कर दे तां ओह सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे विच जिहड़े अगे हो सकते ने उहदे विच जा सकते ने। सो ये की हो गया, अहुदे की तरक्की हुंदी आ उहनां दी। नैक्सट है मिश्रत विधि। इस दे विच अक्सर सारे ही देशों में लोक सेवावां की भर्ती लई दोवां विधियां का प्रयोग किया जाता है। छोटी पद्धर ते कर्मचारियों की नियुक्ति बाहर तो ही की जाती है, जबकि उच्च अहुदियां की नियुक्ति लई दोवें विधियां नूं अपनाया जाता है। कि ओपनली भी उन्हां दी योग्यता देखी जाती है ते अंदरूनी भर्ती का तरीका भी उस दे विच शामिल किया जाता। नैक्सट है नौकरशाही दे तरतीबवार संगठन तो की भाव है। तरतीबवार संगठन का मीनिंग यही है कि जो अपने अंदरूनी भर्ती अहुदे की तरक्की किया, कि इस दे विच की होंदा नौकरशाही दे मैंबर जिहड़े हुंदे ने इह हर एक दे अंडर काम करदे ने। जिस तरह अपने स्कूल दे विच लगा लो कि फस्टली अपने कोल हुंदे ने प्रिंसीपल, प्रिंसीपल दे अंडर किहड़े हुंदे ने ऑल टीचर्स, ऑल टीचर्स तो पहला की हुंदा वाइस प्रिंसीपल, सैकेंड नंबर पर वाइस प्रिंसीपल हुंदा अपने कोल, उन्हां दे अंडर किहड़े हुंदे ने ऑल टीचर्स थर्ड नंबर पर। मतलब कि एक तरतीबवार संगठन बनया होया कि फस्टली टीचर ने, फिर उन्होंने जो काम देखने लई वाइस प्रिंसीपल है, वाइस प्रिंसीपल का काम देखने लई, सारे स्कूल का काम देखने लई अपने कोल कौन है, प्रिंसीपल है। सो इस तरह एक संगठन तरतीबवार संगठन है जिहड़ा बनया हुंदा। इस दे विच देखदे हां संपूर्ण नौकरशाही व्यवस्था दर्जाबंदी के आधार पर निर्मित हुंदी है। एम पी शर्मा अनुसार दर्जाबंदी तो भाव एक अजिहे संगठन तो हुंदा है जो अहुदियां लई क्रम के अनुसार जां पौड़ी वांग संगठित किए जाते हैं, जिदा कि फस्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह ने, कि ए इस दे अंडर काम कर रहे हैं, जो ए ने नीचे वाले ए इन्हां दे अंडर काम कर रहे हैं, इन्हां दे अंडर ए काम कर रहे हैं। इस तरह एक पौड़ी की तरह इन्हां दे जिहड़े तरतीब बनी हुंदी आ कि विभाग के जिहड़े विच सारे जिहड़े किसी ना किसी दे अंडर काम कर रहे हुंदे ने, कोई ना कोई उन्हां दे काम की जांच है जिहड़ा कर रहा हुंदा। इस क्रम विच हरेक हेठला अहुदा जां पद्धर उपर दे अहुदे ते उसदे अहुदे द्वारा उस तो उपर अते इस तरह सब तो उपर दे अहुदियां जां अहुदियां अधीन हुंदा है, उसदे अधीन काम करदे ने। इस विच नौकरशाही दा आधार विस्तृत हुंदा है ते सिखर सौड़ा हुंदा है। वख-वख पद्धरां ते मैंबरां विचाले उच्च अते अधीन दा संबंध हुंदा है। सो इह हो गया अपने कोल तरतीबवार संगठन। नैक्सट है स्थाई कार्यपालिका तो की भाव है। स्थाई कार्यपालिका की हुंदी है, जिस दे विच कार्यकाल है जिहड़ा निश्चित होवे। असैनिक सेवावां जां नौकरशाही नूं ही स्थाई कार्यपालिका कहा जांदा है। इस दी नियुक्ति राजनीतिक कार्यपालिका दी नियुक्ति दे मुकाबले योग्यतावां दे आधार ते प्रतियोगी प्रीख्यावां दे आधार ते कीती जांदी है। इन्हां दा वेतन भत्ते अते कार्यकाल निश्चित हुंदे हन। स्थाई कार्यपालिका भी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, तो इस चैप्टर के राजनीतिक कार्यपालिका तो स्थाई कार्यपालिका इन दोनों के अंतर, दोवों के अंतर की है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हुण दोनों के डिफरेंस की आ, जिहड़ी राजनीतिक कार्यपालिका वह राजनीति के आधार पर उन्हों की नियुक्ति की जाती है, कि जो सरकार बनी सरकार के नाल ही सरकार जी अपने मन चाहे व्यक्तियों आ सीटा पर बिठा दें काम करने के लिए। तो जो सरकार 5 साल बाद सरकार डिगती है, सरकार चेंज होंगी है जेकर, तो जोड़े वो काम करने लिए व्यक्ति जोड़े लगाए जाते हैं, नौकरशाही के मैंबर बनाए जाते हैं, उन्होंने भी चेंज किया जाता, वह भी बदले जाते हैं। तो जो जी नैक्सट सरकार आँदी है वो अपने अकॉर्डिंग अपने बंद जो अपने मन चाहे व्यक्तियों काम से लगा दें। सो ये होंगी राजनीतिक कार्यपालिका। दूजे पास स्थाई कार्यपालिका जी की होंगी कि स्थाई कार्यपालिका के नौकरशाही के मैंबर ने जोड़े वह योग्यतावान के आधार पर, लाइक कोई कॉम्पीटिशन करवा के जा एग्जाम लैके इस तरह उन्हों की भर्ती की जाती है योग्यता के आधार पर, तो उन्हों का कार्यकाल है जोड़ा वो निश्चित होंदा, वेतन भत्ते कार्यकाल निश्चित होंदा है। इन्हों का मुख्य काम नीति निर्माण विच मदद अते उसनू लागू करना होंदा है। लोक सेवक राजनीति विच भाग नहीं लेंदे, वह राजनीति तो दूर रहिंदे हन। राजनीतिक परिवर्तन होने नाल स्थाई कार्यपालिका विच परिवर्तन नहीं हुंदा, ते जदों जेकर सरकार बदलदी आ तां इन्हां ते कोई इफेक्ट नहीं पैंदा, इन्हां ते कोई असर नहीं पैंदा। स्थाई कार्यपालिका जिहड़ा अपने कार्यकाल पूरा करके ही अपने अहुदे तो जिहड़ा रिटायर हुंदे ने। नैक्सट है नौकरशाही दे कोई 4 दोष। नैक्सट जो हुणी आपां कीता कि राजनीतिक कार्यपालिका ते स्थाई कार्यपालिका विच 4 अंतर। फर्स्टली
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਫਸਟਲੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੱਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੱਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ
लोंग क्वेश्चन उसके लिए इस चैप्टर के प्रिपेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।